हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास फर्स्ट एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ओके, सब्जेक्ट इज इंग्लिश। लेसन नंबर 16, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ओके, सो स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बुक। पेज नंबर इज 74, लेसन नंबर इज 16, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमने रीड कर लिया था। ओके, और इसके हमने पेज नंबर 75, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ये डन कर दिया था, मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, दैट मींस हमने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स इसके कंप्लीट कर लिए थे। ओके, सो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, दैट मींस Who said these words? पेज नंबर 76, ये आप ओपन कीजिए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। Who said these words? मतलब कि ये जो वर्ड्स है वो किसने कहे हैं। ठीक है, स्टोरी भी आपको पता है, टाइगर और मॉस्किटो की। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कहा है कि फर्स्ट वाला देखिए ए। ठीक है, गो अवे मतलब जाओ यहाँ से। तो इस स्टोरी में ये किसने कहा था, तो ये कहा था टाइगर ने। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए जो है वहाँ पे आपको लिखना है किसने कहा था, गो अवे टाइगर ने। ओके, तो लिख दीजिए टाइगर। फर्स्ट वाले में लिखना है टाइगर, वहाँ पे ब्लैंक दिया है आपको, वहाँ लिखना है टाइगर। Now next is B, देखिए, don't be so proud my friend, that means कि अपने आप पे इतना गर्व इतना अभिमान मत करो मेरे मित्र। ये किसने कहा था, तो ये कहा था मॉस्किटो ने। ठीक है, तो सेकेंड वाले जो B वाला है उसमें लिखना है आपको मॉस्किटो। इस तरह से ये लिख दीजिए। नेक्स्ट इज सी वाला देखिए, व्हाई शुड आई गो अवे, दैट मींस कि मैं क्यों यहां से जाऊं। ठीक है, तो जब शेर को जो टाइगर है उसे जो है मॉस्किटो परेशान कर रहा होता है, ठीक है, तो शेर उसे कहता है जाओ यहां से। ठीक है, तो बदले में वो क्या कहता है, मैं क्यों यहां से जाऊं। तो यहां पे है व्हाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों यहां से जाऊं, किसने कहा था, ये भी मॉस्किटो ने ही कहा था। तो थर्ड वाले सी में आपको लिखना है मॉस्किटो। नेक्स्ट इज डी वाला देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मतलब अफ्रेड मींस डरना, मैं तुमसे नहीं डरता, तो ये किसने कहा था, तो ये भी किसने कहा था, मॉस्किटो ने ही कहा था। तो इसमें डी वाला में लिखिए मॉस्किटो। इस तरह से ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखिए, नंबर द इवेंट्स करेक्टली एज दे हैपन। आपको क्या करना है, ये इवेंट्स, ये स्टोरी है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया है स्टोरी का, तो ये कब कब घटित हुआ आपको नंबर वाइज देखना है। ठीक है, नंबर वाइज हमें ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाली नंबर ही लिखने हैं। देखिए फर्स्ट वाले नंबर में कौन सा आएगा, देखिए ई वाला है ना, वो फर्स्ट नंबर पे लिखना है। दैट मींस हमारा सेंटेंस है, अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर द ट्री। पहले क्या हुआ था, टाइगर ट्री के नीचे सो रहा था। ठीक है, तो वो वाला सेंटेंस फर्स्ट वाला आएगा। सेकेंड सेंटेंस में है, अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय अ टाइगर। फिर क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है वो आता है और टाइगर के ऊपर भिनभिनाने लगता है, बजिंग मींस भिनभिनाना। थर्ड इज द टाइगर गॉट एंग्री एंड हिट आउट विद हिज पाव। फिर क्या होता है, मच्छर जब भिनभिनाने लगता है तो टाइगर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंजे से उसको हिट करने लगता है, दैट मींस मारने लगता है। तो ये वाला सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड वाला। फोर्थ इज
जो है उसमें से ब्लड आने लगता है, उससे लग जाती है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला सेंटेंस है, द मॉस्किटो टोल्ड द टाइगर नॉट टू बी प्राउड। मॉस्किटो ने जो है टाइगर से कहा कि अपने आप पे इतना गर्व मत करो। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है देखिए, मैं अरेंज करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ। ठीक है, आपको जो बॉक्सेस दिए हैं देखिए, मैं आपको आंसर के साथ ही बता देती हूँ। उसमें ए वाले जो बॉक्स है उसमें आपको लिखना है टू। ठीक है, ये टू नंबर का सेंटेंस है। फिर बी वाला जो है उसमें लिखना है फोर, जो बॉक्स बने हैं उसके सामने। ठीक है, फिर सी वाला जो सेंटेंस है वो हमारा है फिफ्थ वाला सेंटेंस, दैट मींस लास्ट वाला। देन डी वाला सेंटेंस देखिए, ये है हमारा थर्ड, थ्री नंबर पे ये वाला सेंटेंस आएगा। एंड लास्ट वन इज फर्स्ट। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करके रीड करके देखिएगा, सेम यही जो है इसी लीड से हमें चलना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो बॉक्स है वहां पे आपको ये लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो ये भी मैं यहाँ आपको लिख के देती हूँ, आप उस तरह से ये लिख दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम क्रॉसिंग बाय। ठीक है, टाइगर क्या कर रहा था जब मच्छर उसके आजू बाजू घूम रहा था, फिर बिना रहा था, तो टाइगर क्या कर रहा था, स्लीपिंग कर रहा था, डोजिंग कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, चलिए मैं यही लिख देती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, ये कौन सा सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना आंसर। ठीक है, अभी इसका हम कौन सा आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला, दैट मींस ए वाला आंसर हम लिख रहे हैं। आपको जहां पे स्पेस दिया है वहां पे आपको लिखना है, लिखिए आंसर। मैं ऐसे थोड़ा स्पेस कर देती हूँ ताकि हम और भी लिख पाए। ठीक है, थर्ड इज फर्स्ट इज सॉरी लिखिए टी टी द टाइगर। टाइगर क्या कर रहा था जब मच्छर बिना रहा था उसके ऊपर, तो आंसर में सिंपल सा लिखना है द टाइगर वॉज। अभी हमें स्लीपिंग नहीं लिखना है क्योंकि हमने न्यू वर्ड लिखा है डोजिंग। ठीक है, तो टाइगर वॉज डोजिंग, कहां पे सो रहा था, अंडर अ ट्री। ठीक है, द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर। क्वेश्चन में से नहीं आएगा, वेहन द मॉस्किटो केम क्लोजिंग बाय। इस तरह से उसका आंसर क्वेश्चन में से ही आधा है। द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री बिहाइंड द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। यहाँ पे डोजिंग नहीं लिखना है, यहाँ बजिंग लिखना है। ठीक है, बी यू जेड आई एन जी, बजिंग मतलब भिन भिन आना। ओके, सेकेंड वाला लिखिए बी।
इस तरह से इसका आंसर हम लिखेंगे, ओके। The tiger started to bleed because the tiger bit his own paw on his cheek. थर्ड वाले का आंसर लिखते हैं अभी। क्वेश्चन इज व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे। जो टाइगर था वो क्यों चला गया वहां से, क्योंकि वो तो भाई हेल्पलेस हो गया था ना, हाँ, उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, हेल्पलेस हो गया था। उसको लगा मेरा तो है ये मच्छर मारने वाला है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है द टाइगर वॉक अवे 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 मतलब दूर जाना। बिकॉज
तो W लिखा है, आपको लिखना है WATER, ये सब डैश में आपको लिखना है। नेक्स्ट इज टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। टिकिंग ऑफ डैश, टिक क्या करता है, टिक टिक करके घड़ी चलती है ना, तो टिकिंग ऑफ अ क्लॉक। एफ में लिखना है क्लॉक, सी, बाकी का सब जो है डैश में है। सी एल ओ सी के, ये डैश में लिखना है आपको। फिर लास्ट वाला है टिकिंग ऑफ अ डैश, ठीक है। जो डोर दरवाजे की आवाज होती है ना चार चार करके, तो उसे कहते हैं टिकिंग ऑफ अ डोर। तो डी लिखा हुआ है, आपको आगे का लिखना है डी डबल ओ आर डोर। ये इस तरह से ये सेवन वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स टू नो हाउ द गिवन एनिमल्स मूव। आपको जो है एनिमल्स कैसे चलते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और पिक्चर भी दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अभी लॉयन का पिक्चर बना है, ठीक है। अ लॉयन, द लॉयन, फिर लिखा है डैश, तो वहां पे लिखिए वॉक्स, द लॉयन वॉक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो लिखना है द लॉयन वॉक्स, तो वॉक्स के जो है वो ही लिख देती हूँ मैं फर्स्ट वाले में, ए डब्ल्यू ए एल के एस, तो ऐसे ही लिखा, तो आपको ए और एल जो है डैश में लिखना है, ठीक है। डब्ल्यू ए एल के एस, लॉयन वॉक्स, लॉयन चलता है। फिर बी लिखना है, बी में देखिए द बर्ड, एफ लिख के छोड़ दिया, फिर द बर्ड फ्लाइज, बर्ड उड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखना है एफ तो दिया हुआ है एल आई ई एस, तो ये सब डैश में लिख देना है। थर्ड में देखिए द स्नेक क्राउस, ठीक है, लिंक चलता है, तो स्नेक क्राउस, तो इसको आर ए डब्ल्यू जो है डैश में है। फिर डी में लिखना है द कंगारू, कंगारू कैसे चलता है, हॉप, हॉप मीन्स ऐसे उछल के कूद के, हॉप, तो एच ओ पी, इसको डैश में कर देना। फिर स्क्विरिल, लूप्स, स्क्विरिल घुमावदार शरीर होता है उसका, कैसे चलती है बहुत ही फुर्ती से, तो ई इसमें आएगा लूप्स। एल तो लिखा हुआ है डबल ओ पी एस पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी डन होता है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 78, राइट ट्रू फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द लॉयंस एंड टाइगर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉयन और टाइगर के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, तो आपको लिखना है यस और नो, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज लॉयन हैज मानी, मतलब कि लॉयन को जो है चेहरे पे जो है मतलब बाल होते हैं ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ठीक है, तो यस इसमें लिखना है टी, ट्रू। यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 9, उसका है ए, उसमें लिखना है हमें टी, ट्रू। नेक्स्ट इज अ टाइगर हैज शॉर्ट मेल, तो जो टाइगर होते हैं उसको भी छोटे छोटे जो गले पे बाल होते हैं ना उसे कहते हैं, ठीक है, मांगे, तो उसको भी थोड़े थोड़े बाल होते हैं, तो ये भी ट्रू है। सेकेंड बी वाला भी लिखना है ट्रू। नाउ थर्ड इज बोथ ऑफ देम हैव शार्प टीथ, जो है दोनों के ही नुकीले धारदार टीथ मतलब दांत होते हैं, तो होते हैं सी, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। द लॉयन हैज लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, जो लॉयन है उसके लंबे से बाल होते हैं उसकी बॉडी पे, अभी ये वाला क्वेश्चन सुनिए, पूरी बॉडी पे, बॉडी पे उसके पूरे बाल नहीं होते, खाली फेस के जगह
इन्हें पूरे देख के लिए लॉयल है। इसके खाली फेस पे ही बाल होते हैं, पूरे में नहीं होते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, बी को करना है एफ, मतलब कि फॉल्स। नेक्स्ट इज बोथ ईट मीट, मतलब कि दोनों ही लॉयल एंड टाइगर मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। तो यस ट्रू, ये हमारा ई वाला है। ठीक है, तो ट्रू। बोथ कैन रन फास्ट, दोनों ही बहुत ही तेज दौड़ते हैं। दोनों मतलब लॉयल एंड टाइगर के बारे में लिख रहे हैं। तो यस ये भी आएगा। नेक्स्ट इज द टेल ऑफ लॉयल इज वेरी लॉन्ग, लॉयन की टेल होती है, पूंछ होती है, बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, तो जी भी आएगा जो। ठीक है, एंड द लास्ट इज अ टाइगर हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, जो टाइगर होता है उसके स्ट्रिप्स होते हैं बॉडी पे। देखिए स्ट्रिप्स है ना, मतलब धारियां ब्लैक ब्लैक कलर का, तो यस होती है। तो ये भी ट्रू आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये ट्रू एंड फॉल्स आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए मैच द वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स। आपको मैच करना है सिमिलर, एक ही जैसा मीनिंग होता है वो। स्मॉल तो करिए शॉर्ट, स्मॉल शॉर्ट, कहते हैं ना छोटा शॉर्ट भी छोटा ही होता है। नेक्स्ट इज जॉय, ठीक है, तो हैप्पी, जॉय हैप्पी। फिर फुल, तो होगा कंप्लीट, फुल कंप्लीट। क्राई, क्राई मतलब भी रोना होता है, विप मतलब भी रोना होता है। द लास्ट इज लाइक सेम, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। स्मॉल तो उसको करना है मैच शॉर्ट के साथ। ठीक है, जॉय तो हैप्पी, फुल कंप्लीट, क्राई तो वेप, लाइक सेम। ठीक है, इस तरह से